हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम आपके सामने MBA एंट्रेंस 2018 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली का MBA का पेपर सॉल्व करेंगे। MBA के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, अक्सर ये रहता है कि कितना किस लेवल के आते होंगे, कितने टफ होते होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक आइडिया दे सकूँ कि कौन कौन से टॉपिक से और किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं और वो एग्ज़ामिनर क्या चाहता है, पेपर सेटर क्या चाहता है कि उसे आप कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे हमारे पास ये MBA 2018 का पेपर है और इसमें ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास मैथ्स के। ये आपके पास है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल टाइम सेट ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018। तो इसमें हमारे पास ये 170 क्वेश्चंस हैं और उसमें जो आपके पास मैथ्स और DI डेटा इंटरप्रेशन के मिला के हमारे पास नियरली 68 क्वेश्चंस हैं। तो एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है मैथ्स और DI का। उसमें भी जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो ये यहाँ तक 34 तक आपके पास 34 क्वेश्चंस जो हैं आपके पास मैथ्स के थे। अब देखिए, इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। अगर जो एग्ज़ामिनर देता है अलग अलग सिंपल आर्थमेटिक टॉपिक से, जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। आपसे कह रहा है एक्स माइनस वाई इज व्हाट, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 15, एक्स प्लस वाई इज 3, एक्स माइनस वाई इज। तो अब अगर आप चेक करेंगे, हमारी दो तरीके से जहन में आता है जो बच्चे मैथ्स कर भी सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि x प्लस वाई इज 3, तो हम यहाँ से इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3 माइनस वाई और x को यहाँ रख देते हैं, दैट इज 3 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, x आएगा। एग्जामिनर ने दिया भी इसीलिए क्वेश्चन है कि आप इस तरह से उलझें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालेंगे तो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो सकता है। एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में एक रिलेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये कितना सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको 15 दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई आपको 3 गिवन है। सो वॉट इज एक्स माइनस वाई, सो एक्स माइनस वाई विल बी 5, दैट इज द सिंपल आंसर, द सी इज द ऑप्शन। तो ये होता है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके पास आ जाएगा। अब जैसा आपसे क्या कह रहा है, फॉर हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ n विल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4n प्लस 7 बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 200। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ क्वेश्चन में भी कि आप लैंग्वेज से जाया कीजिए, वर्ड बाई वर्ड, फॉर हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। इंटीजर मीन्स आइदर प्लस और माइनस और जीरो, कंप्लीट वैल्यू 1, 2, 3, फ्रैक्शंस नहीं होता। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देयर इज एक्सप्रेशन 4n प्लस 7, दिस वन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 200, लेस देन 200। तो ये बेसिकली एक इन इक्वेशन कहलाता है, जहाँ पे हम किसी टर्म को, किसी वैल्यू को इक्वल नहीं रखते, आइदर मोर देन लेस देन। तो ये आपके पास है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 7 इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7, मतलब आप कुछ इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं 1 4n प्लस 7 और 4n प्लस 7 लेस देन 200, दोनों को अलग अलग या एक साथ भी। तो 7 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 6 4n, 7 को इस साइड ले जाएंगे तो 4n 200 माइनस 7 दैट इज 193। Now divided by 4, so minus 6 by 4 is more than, ये आपके पास less than n और फिर ये आ जाएगा n is less than 193 by 4, तो n आपके पास क्या हो गया, more हो गया आपके पास n, minus 6 by 4 का क्या मतलब है, minus 3 by 2, minus 3 by 2 means 1.5 and ये आपके पास कितना आएगा 4, 4 जा 16, 3, 33, 4, 8 जा 32, 1, 4, 2 जा 8,
सो आपके पास n इज़ मोर देन -1.5, ठीक है, एंड लेस देन 48.25। अब आपको चाहिए इंटीजर वैल्यू, फोर हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज़, तो आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ क्या होंगी, -1.5 से बड़ा लार्जर वैल्यूज़ इन इंटीजर इज़ -1, ठीक है। सो n मस्ट बी मोर देन, मतलब -1.5 से बड़ा जो है हमारे पास -1 से काउंट होगा, इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और 48.25 से छोटा तो 48 तक, तो आपके पास ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके पास n की रेंज आई है, ये समझिए -1 to 48, दीज इंटीजर वैल्यूज़, तो ये कितनी हो जाएंगी आपके पास, अब आप समझ सकते हैं -1, 0, 1, 48, तो 48 टर्म्स तो ये हो गए 1 to 48, फिर एक हो गया 0 और एक हो गया -1, सो टोटल वैल्यूज़ आर 50, तो देर आर 50 टर्म्स, देर इज आंसर सी। ये देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, 6 years ago Anita was p times as old as Ben was. Actually क्या होता है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब आप एज बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा हमसे करंट एज या प्रीवियस या अर्लियर आफ्टर एज मालूम करता है, तो जो आप एज सपोज करते हैं, अगर आपसे उससे पहले का टाइम दिया, इट इज़ गिवन दैट द 5 years ago, 10 years ago, तो एक टर्म आता है एगो और एक टर्म आता है 10 years later या 5 years later आफ्टर। तो सपोज करो अगर आपने करंट एज एक्स सपोज किया है और आपसे कह रहा है 5 years ago, तो 5 years ago एज वॉज एक्स -5, एंड सपोज इट इज़ गिवन 10 years later, तो अगर 10 years later कह रहा है तो एक्स प्लस 10 विल बी द एज आफ्टर 10 years, तो ये कंसिडर करना होता है कि अगर पहले कह रहा है तो उतना टाइम माइनस कर दीजिए, आफ्टर कह रहा है उतना टाइम प्लस। अब देखिए फिर वही लैंग्वेज, 6 years ago, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूँ, आपके पास क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, 6 years ago, हम यही बात कर लेते हैं, 6 years ago मीन्स -6, ठीक है, अनीता वॉज पी टाइम्स एज ओल्ड एज बैन, ये मेरे पास हो, तो फर्स्ट ये हो गया, इफ अनीता इज नाउ 17 years old, तो अनीता अगर अब 17 years है, तो 6 years ago अनीता वॉज 11, ध्यान रखिएगा 17 minus 6 11, तो ये कितना हो गया 11 into 11 इज इक्वल्स टू p into बैन, तो what इज बैन, तो बैन इज इक्वल्स टू 11 by p, दैट टाइम 6 years ago, आप 6 years ago की बात कर रहे हो, हाउ ओल्ड इज बैन नाउ इन टर्म्स ऑफ p, तो बैन 6 years ago वॉज दिस, तो नाउ द बैन इज 11 by p plus 6, that's it. अगर अब अनीता 17 है तो 6 years ago ही वॉज 11, बट दैट टाइम अनीता वॉज पी टाइम्स ऑफ बैन एज, तो बैन की जो एज हो गई ये हो गई 11 इज पी इन टू बैन, तो बैन विल बी 11 by p, तो नाउ प्लस 6, अभी आप 6 years ago की बात करो प्लस 6 है, तो 11 by p plus 6, वेयर इज 11 by p plus 6, दैट इज द, तो ये आपके पास है। चलिए क्वेश्चन और दिया हुआ है, आपसे कह रहा है n इज मोर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इफ n इज मोर देन 0 तो n स्क्वायर इज मोर देन 1, अगर आपके पास n मोर देन 0 है, ठीक है, तो n स्क्वायर मोर देन 1 होगा, ये आपके पास है। अब मोर देन 0 की अगर आप बात कर रहे हो, आप खुद से कंसिडर भी कर सकते हो, हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कंसिडर भी कर सकते हैं। अब n को सपोज करो हमने ले लिया 0.1, हमने क्या ले लिया 0.1, तो n स्क्वायर विल बी 0.01, 0.1 का स्क्वायर, तो इज इट मोर देन 1, नो इट इज फॉल्स, तो फर्स्ट इज फॉल्स, n माइनस n स्क्वायर इज लेस देन 0। अब सपोज करो आपके पास क्या आया है, n आपने लिया था 0.1, सपोज हियर, और फिर आपने n स्क्वायर किया, दैट इज 0.01, तो इट इज 0.10 एंड इट इज 0.01, दैट विल बी 0.09, इज दिस लेस देन 0, नो, तो सेकेंड इज फॉल्स, तो सेकेंड भी फॉल्स हो गया। नाउ 2n-1 इज मोर देन 0, 2n-1 इज मोर देन 0, अब आपने n लिया था सपोज करो 0.1, तो 2 into 0.1, दैट इज 0.2, -1, दैट विल बी 0.8 इन माइनस, विच इज मोर देन 0, नो इज ऑल्सो फॉल्स, इट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो फर्स्ट ओनली विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, नथिंग, तो नन इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे से, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है,
Six people meet for a business lunch. Each person shake hand once with each other person present. How many shake hands take place? ये हमारे पास है. Actually क्या होता है, ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. थोड़ा सा अलग इस मैथमेटिक्स से अलग हट के हो जाता है कि जब आपको शेक हैंड करने होते हैं तो आपको टू का कॉम्बिनेशन चाहिए. एक हमारे पास एक फार्मूला होता है NCR, द कॉम्बिनेशन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे छः लोग हैं, उनमें से दो लोगों को शेक हैंड करना, तो दैट इज 62. NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. जब हम फैक्टोरियल डिस्कस करेंगे कुछ नेक्स्ट न्यू क्लासेस में, तब हम बताएंगे कि फैक्टोरियल है. फिलहाल अब आपको ऐसे ही समझ लीजिए, जिनको आता है वो समझ रहे होंगे. तो 62 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू. नाउ वी कैन राइट 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. तो 4 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15, तो देयर विल बी 15 सेकेंड्स. तो ये हमारे पास क्वेश्चन हैं. अभी इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं, अभी हम एक और नई वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे. आप लोग इन्हें चेक करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन करिए कि सर इसकी स्पीड कम करें या और डिटेल्स में जाएं, जैसे भी अच्छा लगे. थैंक यू सो मच.